कांता जी कैसे हो? बहुत बढ़िया रही आपकी मीटिंग? बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी, समथिंग वेरी एक्साइटिंग, वेरी बिग, सो विश मी ऑल द बेस्ट। क्या देखने मिलेगा? कुछ बहुत बड़ा और बहुत एक्साइटिंग। और मैम कल बिग बॉस का फाइनल है, तेजस भी जीत के क्या कहना चाहोगे? यार पता नहीं, मेरी फेवरेट नहीं जीती तो थोड़ा सा मैं अपसेट हूँ, एंड जो टॉप टू में भी मेरे फाइनली प्रदीप भी जो मेरे फेवरेट थे वो गए, बट आई डोंट नो, आई वाज नॉट वेरी हैप्पी, बट आई थिंक तेजा जीती है, सो गेम है, कोई तो जीतता है कोई हारता है, इट्स ओके, बट आई थिंक तेजा इज अ प्रॉपर विनर, बिकॉज लाइफ पार्टनर भी जीत गई, शो भी जीत गई और एक शो मिल भी गया, तो आई थिंक उनके लिए एक विन विन सिचुएशन। और मैम बट आई एम नॉट हैप्पी, आई सो विश शमिता जीती। शमिता जी को काफी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, बट मुझे लगता है शमिता और प्रतीक एनीवेज उन लोगों ने इतने करोड़ों लोगों के दिल जीत लिए हैं, जो मुझे लगता है काफी बड़ी है, ट्रॉफी से बहुत बड़ा है। और कुछ आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में? बस आपको पता है मैं कहाँ पे हूँ, तो देयर इज समथिंग वेरी एक्साइटिंग व्हिच इज कमिंग, और मैं बहुत जल्दी शेयर करूंगी अपनी सोशल मीडिया पे अबाउट व्हाट इज कमिंग। थैंक यू। साथ में आपके साथ को आर्टिस्ट को जो नाम तो बता दो, इनवाइट करें, सीधे पिक्चर डालूंगी ना मैं, बताऊंगी नाम तो बता दो, तुमने मेरा पार्ट समझा ना, फोटो जब जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि कौन है। सुनने में तुम्हारे के पार्थ संतान जी, ये आपको पार्थ है किसने बोला? सुनने में बस, क्योंकि टी सीरीज में वो तो पार्थ है, ऐसा है। जोड़ी काफी अच्छी लगेगी दोनों की? हाँ जोड़ी तो डेफिनेटली बहुत अच्छी है, बट आई एम श्योर मैं बताऊंगी, अभी ज्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना। उनका भी कुछ क्वेश्चन है? आपका कुछ क्वेश्चन है? जी बोलिए। एक सेकेंड मैम, बीच में थोड़ा पीछे आ जाए, अलग ही लग रहे हो आप। थैंक यू, आप हमेशा मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच। चलिए आइए। उनका बाकी आप लोगों ने फिनाले देखा ही नहीं, गए नहीं हम लोग फिनाले, वहीं पर थे, वहीं पे थे, वहीं कवर कर रहे हैं, खुश हो आप लोग फाइनली विनर से? हाँ चलिए, आई एम श्योर, बट आई एम श्योर जीत हार तो चलती रहती है, बट उन लोग अभी मुझे लगता है नोबडी इज गोना स्टॉप देम, शमिता एंड प्रतीक स्पेशली, बिकॉज इतने सारे लोग, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग उन लोगों ने। और ना अभी बिग बॉस के बाद शायद खतरों के खिलाड़ी भी आएगा, तो वहाँ आपको देख सकते हैं। मुझे लगता है, जो मुझे लगा कि मुझे लगता है पहले कलर्स का शो कर लेना चाहिए बिग बॉस में जाने से पहले, तो मुझे लगता है कि यू कॉल है उस शो को जीतने के लिए, तो मुझे लगता है पहले मुझे कलर्स का शो कर लेना चाहिए अगर ऐसे शो में जाना है। आपको पानी से डर लगता है क्या? मुझे किसी से डर नहीं लगता, मुझे लगता है लोगों को मुझसे डर लगता है। थैंक यू मैम। मार्जिन निकल जाएगा।